चार दिन पूर्व हुए विनोद हेम्ब्रम की हत्या का खुला राज, पत्नी और उसका प्रेमी हुआ गिरफ्तार। बता दें कि चार दिन पूर्व बालीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर स्कूल बालीडी के रहने वाले विनोद हेम्ब्रम की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 मार्च 2023 की रात्रि पाली की ड्यूटी जाने के लिए विनोद हेम्ब्रम अपने घर से चले थे। रास्ते पर रोक कर अज्ञात अपराधी द्वारा चाकूबाजी कर विनोद हेम्ब्रम को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था। उसे बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कांड दर्ज कर पुलिसिया पड़ताल में इसका उद्भेदन करते हुए मृतक विनोद हेम्ब्रम की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्ञात हो कुछ वर्ष पूर्व दोनों में प्रेम विवाह हुआ था, मगर बाद में दोनों में मन मुटाव रहने लगा था। पुलिस ने बताया कि लगभग 4 वर्ष पूर्व विनोद हेम्ब्रम की मित्रता रोशन भारती नामक युवक से हुई, जिसका उसके घर में आना जाना भी था। इसी दौरान रोशन भारती और लक्ष्मी कुमारी एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में पड़ गए और विनोद हेम्ब्रम इन दोनों के प्रेम का कांटा बन गया और अपने रास्ते हटाने के लिए विनोद हेम्ब्रम की पत्नी ने अपने प्रेमी रोशन भारती के साथ मिलकर साजिश रची और अपने पति की हत्या करा दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हत्यारा रोशन भारती ईसाई धर्म प्रचारक था और वह झारखंड, बिहार, बंगाल में जाकर धर्म का प्रचार करता था। वहीं विनोद हेम्ब्रम सरना धर्म का था और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी ईसाई धर्म को मानती थी। पुलिस ने हत्यारे रोशन भारती को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है, जिसके पूछताछ में हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बोकारो रेलवे स्टेशन के समीप से बरामद किया गया। पत्नी है उनका, लगभग 5 साल पहले लव मैरिज हुआ था। बादली लक्ष्मी देवी भी क्रिश्चियन को फॉलो करती है और जो इसका मृतक है विनोद हेम्ब्रम वो सरना को फॉलो करते हैं। दोनों में लव मैरिज में शादी हुआ, शादी करने के बाद लगता है दोनों में कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो ये एक जो धर्म प्रचार प्रसार करते हैं विनोद, उनका नाम है रोशन भारती, रोशन भारती के साथ इनका लव अफेयर चला जो कि क्रिश्चियनिटी का धर्म प्रचार करते हैं। और इसी क्रम में दोनों के बीच में इतना संबंध बन गया कि जब ये ड्यूटी जाते थे उसके एब्सेंस में घर पे आ जाते थे। और जब उसको उसने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया विनोद हेम्ब्रम ने कि आप तुम्हारा उसके साथ अवैध संबंध का, जो लोग दोनों ने प्लान करके विनोद हेम्ब्रम का हत्या करने का प्लान बनाया, हत्या करके वो मुजफ्फरपुर भाग गया, जिसको हम लोग वहाँ से संदीय अभियुक्त के रूप में वहाँ से पकड़ के लाए, पूछताछ करने से उसकी सारी बातें सुनता। वो जो चाकू जो था जिससे उसे हत्या कर वो बरामद हो गया, इसकी गिरफ्तारी के बाद वही जाकर बरामद कराया रेलवे स्टेशन के पास जहाँ वो फेंक दिया था। और वो जहाँ से खरीदा उसका अभी हम लोग स्टेटमेंट कराएंगे, जिस दुकान से उसका खरीदा है चाकू उसका स्टेटमेंट करा के गाड़ी में लाएंगे। उसके अलावा जो घटनास्थल से एक साइकिल गायब हो गया था जो विनोद हेम्ब्रम का था, वो बताया कि वो स्टेशन पे रेलवे से मुजफ्फरपुर पहुँचा दिया, तो उसको हम लोग भेज दिए मुजफ्फरपुर से बरामद करके लाने का प्रयास। धर्म प्रचार ये अपना घूम घूम कर बिहार झारखंड में अलग अलग जगह पर जाके करता है।